चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। वन ऑफ द आर्क्स ए बी ऑफ द रिंग सबटेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग। ठीक है, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं इसका। ये एक रिंग है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, दो पॉइंट हम ले लेते हैं ए और बी। ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ये क्वेश्चन में कह रहा है थीटा एंगल कह रहा है। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की गई, ठीक है, की लगा देते हैं साथ में, ठीक है। ये की हो गई और ये बैटरी होगी प्लस माइनस। तो ए पॉइंट का, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चाहे आप इधर करंट ले जाओ, सपोज करंट आई वन ऊपर जा रही है और आई टू नीचे जा रही है, इस ए से बी तक का ये जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस आर वन कंसिडर कर लेते हैं, इधर का रेजिस्टेंस आर टू कंसिडर कर लेते हैं, ये पूरी लेंथ को एल वन कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, ठीक है, L1 कंसिडर कर लेते हैं और ये लेंथ L2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। वायर सेम है तो मटेरियल सेम है, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी सेम होगी ऊपर वाले वायर की और नीचे वाले वायर की। वायर सेम है तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, तो ये दो चीज़ें सेम हो गई। तो अगर मैं आर वन की वैल्यू लिखूँ तो रो आर वन इज इक्वल टू रो इंटू एल वन अपॉन ए, R2 is equal to rho into L2 upon A, ये होगा। अच्छा, ओम्स लॉ अगर अप्लाई करें दो पॉइंट A एंड B के बीच में, A B बीच में क्या होगा? तो क्या होगा, इधर वाले पाथ पे अगर मैं बात करूँ, V1 VAB is equal to I1 R1, और इधर वाले पाथ पे, नीचे वाले पाथ पे VAB is equal to I2 R2। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, तो इसलिए I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू ये है, ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो I1 इंटू रो L1 अपॉन A इज इक्वल टू I2 इंटू रो L2 अपॉन A, यानी I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 होगा, ठीक है, सही है। अच्छा, ये हो गया वैल्यू। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सवेल का थंब रूल अगर अप्लाई करें तो, ठीक है, जिसमें कर्व फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है थंब बताता है, तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा बी वन, इनवर्ड होगा, और नीचे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो इसको डॉट लगा के ये बी टू हो गया, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब दोनों की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 इज इक्वल टू, ये हम लोग फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कर्व की वजह से, बताओ भाई, अगर B इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होता है ना, ठीक है, करेक्ट है। अब थीटा की वैल्यू नीचे ऊपर वाले वायर की वजह से कितना होगा? अगर ये थीटा नीचे वाला थीटा है तो ऊपर वाला 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 360 मतलब 2 पाई हो गया इंटू म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर, ये होगा। बी टू की वैल्यू कितनी होगी? बी टू की वैल्यू कितनी होगी? बी टू की वैल्यू होगी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर, ये होगी, करेक्ट है, सही है ना, ठीक है। तो बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू क्या होगा? टू पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा इन टू आई वन बाई आई टू, सही है, देख लो, चेक कर लो, ठीक लिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पहले वाले ऊपर वाले वायर के लिए क्या होगा? एंगल,
टू पाई माइनस थीटा, आर्क हो गया एल एल वन अपॉन रेडियस स्मॉल आर, और नीचे वाले वायर के लिए क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, L1 अपॉन L2 आएगा, इसकी वैल्यू L1 अपॉन L2 इंटू आई वन अपॉन आई टू। तो L1 I1 की वैल्यू L2 I2 के बराबर है, तो L2 I2 लिख दो ऊपर और नीचे L2 I2 है, तो दोनों वैल्यू कट जाएगी, 1 आ जाएगा। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल, इट मीन्स B1 इक्वल है B2 के, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। किसी भी वैल्यू थीटा के लिए ये वैल्यू सेम होगी, सिर्फ 180 के लिए नहीं होगा, सभी वैल्यू के लिए होगा, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने किसी एंगल पर तो लिया नहीं है, मैंने स्टैंडर्ड एंगल थीटा कंसिडर किया था, तो कोई भी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा, जीरो, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।